This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to Post Market Show, PSX Hotline. I'm your host, Tariq Khan Javed. Nazin, mashallah, aaj bhi market plus hai aur 42,000 ka level cross kar gayi. 529 प्लस पे आ गई है मार्केट. अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे. कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड के, जहाँ पे अर्निंग जो आई है जनाब 2.3 बिलियन की आई और ईपीएस इसका हो गया है 10.71. ये डिटेल है केसी 100 की. 529 का इजाफा 42,087. 30 इंडेक्स में माशाल्लाह यहाँ भी 304 का इजाफा है 21,416. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द ऑल शेयर्स. ऑल शेयर्स में भी माशाल्लाह 283 का इजाफा है और 29,877 का लेवल. 42,000 का लेवल क्रॉस होना बहुत खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि एक साहब से शर्त लगी हुई है कि अगर ये मार्केट 36 पे गई तो मैं 1,000 लोगों को खाना खिलाऊंगा और अगर 46 पे गई तो वो खिलाएंगे, तो इस लिहाज से उनको 200 लोगों को खिलाना पड़ेगा आज. कंपनीज जिसमें काम हुआ वो उसकी ये सिचुएशन रही कि टोटल कंपनीज जिसमें काम हुआ वो 364 और जिसमें से एडवांसिंग जो है 246 है, डिक्लाइनिंग 101, अनचेंज 17. नाज़रीन, ये इजाफे के साथ साथ आज की जो बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर है ख़ास तौर से हमारे ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि वॉल्यूम काफ़ी बेहतर हुए. आजकल हम बहुत लो लेवल पे काम कर रहे थे पिछले दिनों. 261 मिलियन का काम हुआ है टोटल, विच इज़ वेरी वेरी वेलकम. 100 सम निकल के दम से 200 पे आए हैं. टॉप वॉल्यूम लीडर एग्रो पॉलीमर रहा विद 20, एसगार्ड 9, 17, टीआरजी पाकिस्तान 15, आयशा स्टील 14, दोस स्टील 14. नाज़रीन, हमारे साथ एक अहम गेस्ट मौजूद हैं, एहसन मेहनती साहब, लीडिंग एक्सपर्ट ऑन मार्केट एज वेल एज कमोडिटीज़ के भी अपने बिजनेस देखते हैं, आरिफ हबीब में डायरेक्टर भी हैं. एहसन मेहनती साहब, बहुत दिनों बाद ये वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं, ख्याल में हफ्ते के बाद 100-150 से निकल के दम से 261. क्या वजह हुई आज दम से तेज़ी आ गई, मार्केट बढ़ी, इसके अलावा टर्नओवर अच्छा हो गया? देखें, दो तीन दिनों से जो हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं. प्रोबेबल पीएम पैकेज, आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें इन्वेस्टर्स की फेवर के अंदर आएंगी जिसके अंदर स्पेशली कैपिटल मार्केट के जो इस वक्त कंसर्न्स हैं, कैपिटल गेन टैक्सेस, बोनस शेयर पे टैक्सेस, डिविडेंड के हायर रेट पे टैक्सेस, आई थिंक ये टैक्सेस की रेशनलाइजेशन जो है वो ऑन कार्ड्स इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और फिर इसके साथ हमने देखा कि कुछ फंडामेंटली मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स जो हमें नज़र आए, ऑयल रिफाइनरीज के कल, परसों बैंक्स, आई थिंक के भी अच्छा आया, कोटक सीमेंट का भी ठीक है, डीजी खान सीमेंट से जो बेहतरीन रिजल्ट्स हमें नज़र आए वो अच्छा आया, अटक पेट्रोलियम, फिर उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, फिर उसके बाद अब हमने देखा कि ये जो रिफाइनरीज के रिजल्ट्स आए ये भी रिकॉर्ड सतह के रिजल्ट्स हैं, जिसके बाद जाहिर है इन्वेस्टर इंटरेस्ट आता है, वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग होती है. तो अच्छा सर, ये जो पैकेज की बात हुई थी 20 बिलियन की है आप लोगों की मीटिंग में, उस पर कोई पेशरफ है या उसकी कोई खास जरूरत नहीं है अगर ये बाकी चीज़ें कर दी जाएँ जिसका आप जिसका जिक्र करें? देखिए, उसमें कमेटी की फॉर्मेशन का जिक्र था, वो लेड बाय गवर्नर. होपफुली वो आई बिलीव कि वो कमेटी की फॉर्मेशन एक ऐसा एक रीज़न बन निकला कि वहाँ पर उस कमेटी की सजेशंस और फिर उसके बाद लेटली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट की तरफ, वो सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर जो है वो स्पेकुलेट करता है और उस स्पेकुलेशन के नतीजे में जो है एक अर्निंग सीजन रैली जो है वो निकलती है. तो आई थिंक कि ये एक फंडामेंटल रीज़न भी मार्केट का है कि रिजल्ट्स बेहतर आए और फिर उसके बाद रिजल्ट्स के साथ जो है
PM पैकेज लाइकली इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन, उस पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद बजाते खुद जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस जो है जो 53,000 से 40,000 पर आई, अब हमने देखा कि एटलीस्ट 2000 पॉइंट की तेज़ी उस लेवल से हो गई है, जबकि पॉलिटिकल नॉइज़ जो है वो अपनी जगह पे अपनी जगह पे है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो प्राइम मिनिस्टर का आना और आप लोगों से बात करना, और ये जो पहले हम ये देखते थे कि दार साहब वगैरह बिल्कुल सुनते ही नहीं थे ये कैपिटल गेन वगैरह के बारे में, तो एटलीस्ट आपको एक सिंपैथेटिक एयर तो मिला है, उन्होंने आपकी बातें सुनी हैं। अब बड़े जेन्युइन डिमांड्स हैं कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर और चीज़ों पर, तो अगर थोड़ी बहुत वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है दैट विल हेल्प फंडामेंटली द मार्केट, एंड स्पेशली ब्रोकरेज के जो आप पे टैक्स लगे हुए हैं वो तो उसने तो वैसे ही वॉल्यूम नहीं है, ऊपर से टैक्सेस इतने ज़्यादा, तो आप लोगों की तो वाइबिलिटी इशू हो गई है। जी हाँ, बस अपेरेंटली अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है, कुछ डेटा भी इसी तरीके का आया था कि इन पीरियड्स के अंदर जो लास्ट क्वार्टर हमने देखा है कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोबारा से बढ़ने शुरू हुए हैं, कुछ हद तक जो है वो हमने देखा है कि दोबारा से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पर हुई हैं, कुछ कंफर्ट दिया गया है, रुपीज स्टेबिलिटी एक रीज़न है जो इन्वेस्टर इस वक्त जो है वो अपनी पोजीशंस मार्केट के अंदर बढ़ा रहे हैं। सर एक रिज़ल्ट है जिस पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें है, बड़ा अब मोर देन ए कंपनी इज बिकम लाइक ए होल्डिंग कंपनी नाउ, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, छोटा फौजी जिसको हम कहते हैं उर्फ आम में, वो डैप बनाते बनाते वो फूड में भी चला गया, एनर्जी भी कर रहा है, और हम देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट काफ़ी कम हो गया। नहीं ये तो एक क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो EPS ऑफ 0.8 सिर्फ 80 पैसे। जी हाँ, ये फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो थोड़ी सी अर्निंग की वोलेटिलिटी है, ये आई थिंक के इसमें कुछ हद तक रोल कुछ यूरिया प्राइसेस का भी है, जो इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस की कमी हमने पिछले क्वार्टर के अंदर देखी थी, अब आने वाले वक्त जो हैं थोड़े से बेहतर इसके नज़र आते हैं, बट ओवरऑल अगर फर्टिलाइज़र प्राइसेस अगर कम भी तो ज़ाहिर अर्निंग पे इसका इम्पैक्ट आता है, और फिर ज़ाहिर ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन में जाती हैं उनको नए बिजनेसेस में जो है वो लॉसेस भी होते हैं इनिशियल पीरियड्स में, तो आई थिंक इसके दो तीन रीज़न बन सकते हैं। एक तो ये कि ये इसका जो यूरिया प्राइसेस है या फर्टिलाइज़र प्राइसेस है उसके अंदर कमी रही थी इस लास्ट क्वार्टर के अंदर, और फिर डाइवर्सिफिकेशन से कुछ इतने बेनिफिट ना मिल सके, और क्योंकि ये सब कंपनियां अभी नहीं है ना, पावर वाली भी और FFL तो अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है, दे स्टिल फाइंडिंग वेयर टू गो व्हाट टू डू, तो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन जो ये बड़ा एक स्टेबल शेयर होता था डिविडेंड गिविंग और डैप का वाहिद प्रोड्यूसर था, तो दिस कंपनी हैज़ चेंज कम्प्लीटली, आप ये कह सकते हैं। जी हाँ, अपेरेंटली इंटरनेशनल प्राइसेस का इस पर इम्पैक्ट बना है। अच्छा, अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट आए जो फर्स्ट क्वार्टर के, वो इतने अच्छे नहीं है, डाउन 38%, EPS उसका आ गया जनाब 8.89 कंपेयर टू 14.4, तो जनरली तो हमने नेशनल रिफाइनरी वगैरह को तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, अटक को क्या हो गया? देखिए आई थिंक कि यहाँ पर हमने देखना है स्पेशली कि वो कंपनी जिनके आउटपुट बेहतर रहते हैं, जिनकी मार्जिन बेहतर होती हैं, उनके बेहतर रिजल्ट्स देखे जाते हैं, तो अटक ऑयल ग्रुप सर्टनली और रिफाइनरीज जो हैं उनके रिजल्ट्स वक्त के साथ बेहतर होंगे, कुछ इन्वेंट्री गेंस भी होते हैं, कुछ मार्जिनस बेहतर होती हैं जब हायर प्राइसेस होती हैं, तो इस वक्त हायर प्राइसेस की वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में है, कुछ हद तक जो है इन्वेंट्री लॉसेज आ सकते हैं जिसकी वजह से टेम्प्रेरी रिजल्ट जो है वो टेम्प्रेरी वीक रहे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिफाइनरी सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, और NRL का जो स्पेशली रिजल्ट था वो एक हिस्टोरिक रिजल्ट जो है वो देखा है हमने। अच्छा, NRL पे खबर जो हमने ट्विटर वगैरह पे पढ़ी हुई है कि उनका आइसोमाइजेशन का जो प्लांट था वो कामयाबी से लग गया, उससे उनकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, तो ज़ाहिर है अर्निंग्स का इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल अपेरेंटली, पिछले दफ़ा तो 100 रुपये का अर्निंग दिखाया जी, जबकि आजकल रेट बड़े कम चल रहे हैं उसके 500-600 रुपये, तो अगर ये डबल हो जाता तो बहुत ही यहाँ पे सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो ये अटक के एक क्वार्टर को देखना आप कह रहे हैं कि गलत बेकार बात है, क्योंकि ये साइकिल प्राइस के ऊपर नीचे का चलता रहता है, ओवरऑल साल भर का देखना ज़्यादा मुनासिब है। सर कोटद्दू ऑल्सो वन ऑफ द आवर फेवरेट शेयर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड फिक्स डिविडेंड पेइंग कंपनी, इसके भी रिजल्ट ख़राब हैं, EPS ऑफ 2.48 डाउन 5.9% ओवर
2.63 से 2.48 पे आ गया। देखिए पहले आप अगर एवरेज ऑयल का रेट चल रहा था अराउंड 40s के 42-43, अब इस वक्त एवरेज चला गया 53-54, तो आई थिंक के 5% का अर्निंग का गिरना उसकी वजह यही है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो जाहिर है फिर उसके बाद रिजल्ट जो हैं 5% कम हो जाते हैं। बट ऑयल प्राइसेस का बढ़ना ऑयल सेक्टर के लिए कंपैरेटिवली देखा जाए तो अब रिकॉर्ड रिजल्ट्स हमें ऑयल रिफाइनरीज के अंदर नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड रिजल्ट्स हमें ओएमसीज के अंदर नज़र आ रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में दोबारा से अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसी कंपनीज के लिए जो यूज़ करते हैं पावर, जैसे कि ये है, देखिए ना इसी का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो कि तेल बना निकालता है बेचता है, उसका रिजल्ट जो है वो ईपीएस उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई टू और इनका गिर गया, वो 10.71 पे चला गया फ्रॉम 9.8 और इधर दूसरी साइड पे रिकॉर्ड है। ठीक है सर, ये तो सर आप क्या कहते हैं, मार्केट तो माशाल्लाह फिर से रिवाइव हुई है टू सम एक्सटेंड, और पैकेज की भी बात चल रही है, शायद फंड्स भी 20 बिलियन के गवर्नमेंट डाल दे, तो आप क्या देख रहे हैं कि 45 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इसलिए कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी जो हैं रिकॉर्ड सतह की तरफ पहुंच गई हैं। यूएस का जो डेटा है ग्रोथ रिलेटेड डेटा, जिसके अंदर हाउसिंग डेटा जो अभी रिसेंटली रिड्यूस हुआ या जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वो रिड्यूस हुए, तो आई थिंक के ओवरऑल इक्विटी जो इफोरिया है ग्लोबली वो पॉजिटिव साइड पर है और इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, यूएस डॉलर वीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान मार्केट जो है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी रुख जो है वो आने वाले वक्तों में जो है वो हम देखेंगे कि वो कैरी होगा। फंडामेंटली जो है वो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें मौजूद हैं हमारे लिए, बट जाहिर है वर्ल्ड बैंक का डेटा रिवाइज हुआ और 17 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक 31 का पहले फिगर आया था, बट आई थिंक ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नंबर्स को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इम्पोर्ट जो है लग्जरी आइटम्स की स्पेशली जो ऑटो लगा दी, ऑटो जो कंपनी 731 आइटम पे रेगुलेटरी ड्यूटी और कहीं कहीं पे 50-50%। एग्जैक्टली, गुड फॉर द लोकल इंडस्ट्री, बैड फॉर द इम्पोर्टर्स। एग्जैक्टली, तो फिर ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म किया, उसके बाद जब मिल्क वगैरह में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखी, ड्यूटी जो है वो उसने उसकी लेवी हुई है, तो आई थिंक ये आगे आने वाले वक्तों में एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ते हुए, इम्पोर्ट कम होते हुए और फिर जाहिर है इकोनॉमिक पोजीशन पाकिस्तान की बेहतर होते हुए, क्योंकि जाहिर है टैक्सेस जो हैं उसकी कलेक्शन आ जाना कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट साबित हो सकती है। 2 बिलियन की इम्पोर्ट कम होगी और रेवेन्यू भी साथ साथ हमें उसी हिसाब से भी मिलेगा, तो विच इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। तो जो बीच में साहब दो तीन हफ्ते पहले ऐसे काफ़ी एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इंट्रीम गवर्नमेंट आना पड़ेगा, तो बांग्लादेश मॉडल की बातें हो रही थी, तो वो सब अब आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही हैं, तो पीपल शुड रिलैक्स एंड इन्वेस्ट। आई थिंक ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इतने वीक नहीं है जितने प्रोजेक्टेड थे, 6% तक ग्रोथ अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो बहुत बड़ी ग्रोथ है साहब, 6% जी बिल्कुल, तो वो आई थिंक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कॉन्फिडेंस बिल्डर साबित हुई है, कुछ हद तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव हुए हैं, कुछ हद तक सीपैक की मद में जो इन्वेस्टमेंट का जो आउटलुक है वो सामने आया है। आई थिंक कि जो डेटा हमें नज़र आ रहा है सीमेंट की लोकल प्राइसेस भी जो है वो बढ़ रही हैं, कुछ सीमेंट के जो नंबर्स हैं या ऑयल सेक्टर के जो नंबर्स हैं सेल्स के बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, रिकॉर्ड सेल हुआ है 10.4 का, तो वो उसमें सीपैक का भी रोल है, स्टील सेक्टर भी मोर लेस यूटिलाइजेशन 100% सीपैक के बारे में भी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, तो ट्यूसडे को हमने पूरा दिन इस पर डिवोट किया और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने वेरियस शोज के जरिए सामने पेश किए जो कि हमने ट्विटर पर भेज दिया, किसी को डाउट हो तो देख ले। सीपैक 16,400 मेगावाट बिजली एडिशनल डालने की प्लान है, शॉर्टेज अभी 6,000 की है, तो आप तो खुद इकोनॉमिस्ट आदमी हैं, आप सोचिए कि अगर ये सब लोड शेडिंग ज़ीरो हो जाए अगले 1-2 साल में, दैट इट्सेल्फ गिव यू एडिशनल 1-2% ग्रोथ एंड दैट कैन टेक अस टू 7% और सो। एग्जैक्टली, अब ये जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जहाँ वो इम्प्रूव होते हैं वहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख करेगी, सीपैक के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हम वक्त के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें रशिया है, इवन
मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंटरेस्टेड हैं सी पैक के अंदर, अपना रोल प्ले 75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट एफोरिया है ये पाकिस्तान का रुख कर चुका है, इसमें 25 से 30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मुस्बत हैं, कैपिटल मार्केट आउट परफॉर्म दोबारा से करना शुरू हो गई है, और आई थिंक इसका डुअलिस्टिक इम्पैक्ट है। एक तो वो कंपनीज जो फंड्स कीमत के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं उनकी भी वैल्यूएशंस बेहतर हो रही हैं, दूसरा बैंकिंग सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करता है स्टॉक्स के अंदर वहाँ पर उनकी वैल्यूएशंस भी बेहतर हो रही हैं। तो एक आध बैंक को हटा करके बाकी जो बैंक्स हैं उनकी अभी भी जो अर्निंग आई है वो रिकॉर्ड सतह की अर्निंग्स हैं, जो आई थिंक के इन्वेस्टर्स उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालकर। बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, आपने एहसन मैनेजर साहब की बात सुनी, लीडिंग एक्सपर्ट ऑन मार्केट। इन्होंने 45 की तरफ इशारा किया है, उसकी बहुत सारी वजूहत आपको बताई हैं, आई फुल्ली एग्री विथ हिम, और ये पैसिमिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। 17 बिलियन इज़ नॉट ए बिग डील, मैं खुद बैंक कर रहा हूँ, हमने एक एक मुल्क को 40-40, 50-50 बिलियन बैंक ने दिया है, कंसोर्शियम्स ने, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड बैंक वगैरह, कुछ भी नहीं, हैसियत नहीं उसकी। मैं जो कोरिया को हमने बेल आउट किया था 40 बिलियन के फंड से HSBC ने अलोन, तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, और जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे तो जाहिर है आप पे पेमेंट प्रेशर तो आएगा, फ्री में तो कोई चीज़ लगती नहीं है। जब तरबेला और बंगला लगा था तब भी बहुत प्रेशर आया था पाकिस्तान पे, तो क्या हम तरबेला बंगला ना लगाते तो आज क्या होता पाकिस्तान का हाल। ये जो लैंडमार्क डेवलपमेंट हो रही है 16,400 की बिजली आना ही जो है, मेहनती साहब ने 6% का जिक्र किया, अब अगर 1% भी इजाफा होता है तो 7 पे पहुँचेंगे, एंड दैट विल बी द फास्टेस्ट, मेक अस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई डिप्रेशन और मायूसी की बातें नहीं है, आप लोग अपने पैसे लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े थम्बल से स्टॉक मार्केट के और कैपिटल मार्केट के जो इश्यूज हैं सुना है, उनसे बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है। 20 बिलियन का पैकेज अगर आया तो आया, नहीं भी आया तो सिर्फ वो 2-4 टैक्स वैक्स के इश्यूज़ को अगर सही कर दें तो उसी से मार्केट जो है ना इंशाल्लाह 45 पे पहुँचेगी। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ।